ये बात अच्छा आज हम कर्ता कारक कारक करेंगे, वचन लिंग करेंगे। हेलो, आवाज आ रही है आपकी हियरिंग में? ठीक ऑडिबल? क्या मैम? आपको आवाज आ रही है? ठीक जी मैम, कारक है, बताइए कारक क्या होते हैं, कितने होते हैं? हमने मैम पढ़ा है आपको। पीपीटी नहीं शेयर किया है। कॉपी में लिखा हुआ, नोटबुक में? ठीक लिखा हुआ है कारक कितने होते हैं, बोलिए। दो कारण दो कारक तो नहीं होते हैं, मैंने लिखा है सेवन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, यस सं संप्रदान कारक, यस अपादान कारक नंबर 5, अपादान कारक नंबर 6, संबंध कारक नंबर 7, अधिकार, कारण कारण अधिकारण का और सबसे लास्ट में है संबोधन। जी मैम। इसको ऐसे लिखो, कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह होता है साइन होता है ने, कर्ता ने कर्म को किया सबसे इजी होता है याद करने में। कर्ता ने कर्म को, कर्म का साइन होता है को, कर्ण से सब पर एक ही मात्रा से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रेवी अधिकरण कारक होता है, अधिकरण का चिन्ह साइन होता है मे, वहां पर एक ही मात्रा अंक की बिंदी मे कॉमा पर पर कॉमा ऊपर, जैसे छत पर, आकाश में, कमरे में, कमरे संबोधन कारक होता है। अरे अरे ये और अरे ये याद कर लिया ना, बिल्कुल इजी है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से का मतलब होता है अलग होना, जैसे छत से बच्चा कूद गया, छत से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, सब अपादान कारक होता है। और अगर मैं कहूं कि मैं पेन से लिखती हूँ,
मैं पेंसिल से काम करती हूँ, मैं बॉल से खेलती हूँ। तो यहाँ पर होता है सात, विद तो करण कारक होता है, ठीक है। ठीक है, तो जी मैम, ध्यान रखना। अब बटन, बटन कितने होते हैं बताइए, बटन दो पढ़ बच्चन, चुके हो। एक बच्चन और बहु बच्चन। एक बटन और बहुवचन, वैसे तो एक और बटन होता है, द्वि बटन होता है, पर हिंदी में तो दो ही बताए जाते हैं। एक वचन का मतलब सिंगल और बहुवचन का मतलब मोर देन टू। ओके जैसे एक बच्चा, अब जब बहुवचन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे। लड़का का लड़के, फोर लड़कों या लड़के, ठीक है। लड़कियां बहुवचन, लड़की लड़कियां एक बहुवचन और लड़की एक वचन। वचन, ठीक है। अध्यापक एक वचन, अध्यापकों बहुवचन, अध्यापिका एक वचन, तो अध्यापिकाएं बहुवचन, ठीक है। बकरी, एक बकरी, और बहुवचन में बकरियां। लिखो बकरी, ऊपर लिखो एक वचन, हेडिंग बनाओ एक वचन। एक वचन का मतलब होता है सिंगुलर नंबर और बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल नंबर। तो जी एक वचन में लिखेंगे बकरी, फिर दूसरा लिखो गाय, पत्ता, लिखिए मैम। फूल, मक्खी। मक्खी मक्खी कैसे लिखूंगी मैं, अधिक है पर बड़ी की मात्रा, मक्खी। मच्छर, मच्छर यानी मॉस्किटो। मच्छर मीन्स मॉस्किटो। अब इनके बहुवचन लिखिए, बहुवचन लिखकर मुझे अभी दिखाओ।
तितलियां। मैम तितलियां लिखिए मैम, पढ़कर बताइए क्या लिखा है। बकरी बकरी, बकरियों, गाय, गायों, मक्खी, मक्खियों, मच्छर, मच्छरों। और अभी लिखिए लड़का। लड़का लिखिए मैम। लड़की यहाँ पर लड़की यहाँ पर लिख लिया। नहीं, क्या पिता पत्ता भी बोला था वो फूल बोला था आपने किया नहीं है। पत्ता छोड़ना नहीं है सब करना है। चार वर्ड पत्ता बताए उसके छह सात बोले थे। का मीनिंग क्या है? फूल वाले में बोला था फूल फूल भी बोला है। चलिए ये करके बताइए लिख कर बताइए। लिखिए कैमरे में फेस ऊपर कर रखिए। क्या मैम? कैमरे में फेस ऊपर करिए उसको दिखना चाहिए। चेस्ट तक करिए। आप क्या लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं बोलिए। लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियों, अध्यापक, अध्यापिका,
पको हाँ अध्यापिका अध्यापिको पिता हूँ। अध्यापिकाओ पत्र पत्रो पत्ता, पत्ता पत्ते, एक पत्ते ही मात्रा लगाओ। पूलो फूलों। नहीं याद कर लिए। कितने होते हैं? निकिया कितने होते हैं लिंग? दो पुल्लिंग और श्रीलिंग ठीक है, पुल्लिंग। पुल्लिंग का कोई उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल बताओ। पुलिंग कोई बताइए नाम। चुप, पुलिंग बोलो। पुलिंग नाउ नाउ लड़का लड़का पुल्लिंग है, बॉय। और लड़का से अगर कहा जाए उसको स्त्रीलिंग, लड़की इसको लड़की। लड़की पिता, माँ हाँ पिता का माता होता है। है, माँ भी ले सकते हैं। लिखिए आप, लड़का लड़की पिता माता माता है। का उल्टा क्या होगा? गायिका गायिका बैल। ऑक्स जानते हो? बैल वो दूध नहीं देता है। अध्यापक लिखिए मैम पुरुष, पुरुष लड़की होगा? पुरुषवाचक स्त्री। पुरुष जो होता है पुल्लिंग होता है, उसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो क्या होगा? स्त्री। पुरुष पुरुषवाचक लिखो लिखो लिखो। मैम हाँ पे लिख कर बताइए क्या लिखा है।
लड़का लड़की, पिता माता, गाय बैल, पुरुष, स्त्री। स्त्री कैसे लिखोगे? अजा स बनाओ, उत्तरा बनाओ, रहते फिर बड़ी की मात्रा करते। स्त्री, उत्तर पुत्र का पुत्र का पुत्री, स्त्री। पुत्री कैसे लिखते हैं? नहीं पुत्र बोलिए। ओ की मात्रा त पर स्त्रीलिंग में होता है। जाएगा स्त्री। तय बनाइए, उसी के पैसे निकाल दीजिए। लेफ्ट साइड में एक लाइन खींच जाती है। सब हो गया पूरा? और क्या है? बोलो। लिखिए मैम, हाँ पुत्र और पुत्री लिखिए मैम। आज ये बात क्या लिखा है? What have you written? क्या मैम? After पुत्र, what have you written? मैम आई डिडंट राइट एनीथिंग आफ्टर पुत। चल लिखो मामा। मामा। चाचा। चाचा। दादा। दादा। बहन। चलिए लिखकर बताइए। जी हाँ, पुत्र ये अगर ठीक लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। पुत्र करो। हाँ बस फिर ये तुम्हारा निकल सकता है। जरा नाम बोलिए, आंसर बोलो। मामा, मामी, चाचा, हाँ चाची, दादा, दादी, बहन, भाई।
है। चलिए अब कारक फिर से लिखिए, जो अभी लिखवाया है करता ने, देख देख कर लिखो, करता ने देख कर्म को देख करता ने देख, अभी जो मैंने लिखा है उसको देख कर लिखो, बोल बोल कर लिखो। मैम कई मैम अभी 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 तो लिखा है ना, कर्ता ने कर्म को कारण से लिखी, देख कर लिखिए, बोल कर लिखिए। मैम आप शेयर स्क्रीन नहीं कर रहे हैं। वो नहीं करूंगी, आपने नोटबुक में लिखा है वही देख कर लिखिए। जी मैम। अभी लिखा है सब, तो सब वही लिख कर दिखाइए मुझे। अच्छा मैम क्या जी मैम करता लिखा, कारक ने कर्म कारक को कर्म कारक से हे हम कारक प्रधान खेलिए को खेलिए। के लिए अपादान कारक से प्रत से संबोध संबंध बंद कारक कारक से की ताकि के का रे जी अधिकरण कारक में अधिकरण ठीक कारक में पर
ऊपर सबसे मैं लास्ट फिल्म क्या है? भोजन। है अरे संबोधन, कागज। इनको याद कर लेना, पक्के इसे पक्का से याद कर लेना एक बार और। अच्छा और क्या है आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण है? ग्रामर भी है क्या? क्या नहीं मैम, ग्रामर क्या है? अच्छा अनुच्छेद याद है? हिमालय जी मैम। पर लिखो, हिमालय हिमालय। हिमालय पर चार पांच लाइन लिखिए। हिमालय बोल बोल कर लिखो हिमालय के ऊपर। पांच लाइन हाँ 4-5 लाइन लिखिए, 4-5 लाइन लिखिए। मैम। मैम क्या लिखा है? हिमालय हिमालय भारत में है, यह बहुत लंबा है। लंबा नहीं है, ऊंचा है। ऊंचा लिखो, यह बहुत ऊंचा पर्वत है। और क्या लिखा है? भारत में
भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। इसको भारत का मुकुट भी कहते हैं। यह हमारे देश की दूसरे देशों से रक्षा भी करता है। इसके मैम स्नो कैसे बोलते हैं हिंदी पर? बस इसमें हर जगह बर्फ है। बस है, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोगों ने चढ़ाई भी की है। इसके और क्या लिखा है आपने? मैंने हिमालय पर जरूर आता है लिखने के लिए, क्योंकि इसको अच्छा लिखना चाहिए। और क्या लिखा है? लोग इस पर चढ़ गया है, चढ़ चढ़ गए हैं, गए हैं। कई लोग और क्या लिखा है आपने इसमें? यह ठंडा है। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। यह पर बहुत ठंड पड़ती है। ठंड पड़ती है। क्यों पड़ती है वहां पर? बताओ यह ठंड क्यों पड़ती है वहां पर? अच्छा, ऊपर है जिससे एयर जिससे लेस डेंस है एयर और बहुत ठंडा कर सकते हैं। यहाँ पर बर्फ जमती है ना, इसलिए ठंड पड़ती है। बर्फ जहाँ पर होती है वहां ठंड पड़ती है। और यहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई लोग इस पर चढ़ भी गए हैं। इंडिया के लोग बहुत चढ़ गए हैं, बहुत चढ़ गए हैं। नेपाल के लोग बहुत चढ़ गए हैं, चाइना के लोग चढ़ गए हैं। बहुत लोगों ने इसके ऊपर चढ़ गए हैं। 5 लाइन लिखे हैं मैम। 5 हो गया, इतना तो आ ही जाएगा। स्कूल में अगर लिखोगे तो कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। और ये वचन लिख दोगे सारे ठीक करके तो पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। स्पेलिंग ठीक लिखना, तो ये स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, स्पेलिंग का नंबर कट जाता है। ठीक है, ठीक है मैम। वचन ठीक लिखना चाहिए।
कारक ठीक में लिखना चाहिए, कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं, 7 नहीं होते, 8 होते हैं, संबोधन भी होता है सबसे लास्ट में ये। अरे तो इसको मिलाकर इंक्लूडिंग संबोधन इट इज 8। और कुछ लेसन में से मैम पूछेंगी आपसे, कुछ लेसन आपको मैंने पढ़ा दिया है, इसी तरह करना, मिस्कर समझ कर गलत नहीं लिखना, लेटर लिखने भी आ सकता है, मिस्टेक दो दिन दो तीन दे देंगे, कहेंगे एट पर लिखिए, वो आपको जो अच्छा आता है हिमालय का अगर आता हो उसमें तो हिमालय, ठीक है? अपने मन से कुछ भी नहीं लिखोगे, जैसा मैम उसमें पेपर में देती है वैसे ही करना है। लेसन समझ में आ गया? जी मैम, हाँ, लेसन में से क्वेश्चन आएगा, मामा जी का क्या नाम था? मैं तनुश्री मैम, मामा जी का नाम मामा जी, लेसन में, ओ मामा जी का नाम नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसमें लिखा हुआ है उनको सुरे कहते हैं और उनका नाम सुरेश्वर ऐसे है, तो वो लिखना होगा आपको लेसन में से। देखो निकालो, बुक है आपके पास? जी मैम, निकालो अनोखा हॉर्न वाला लेसन। मामा जी की बहन ने क्या कहा था उनको? मैं तो सुरे बोलूंगी। लेसन निकालो। लेसन निकाल लिया। लेसन पढ़ो। अरे गौरव, संजू काना लग गया है अपने मामा जी को, को भी बोला लाओ। इन बच्चों का नाम क्या है? गौरव और संजू। संजू, और मामा जी का नाम क्या है? पढ़ो आके। अरे अम्मा का दंदनाता हुआ आदेश घर की आदेश, आदेश माने ऑर्डर, आज्ञा। आदेश घर की दीवारों से टकरा कर टकरा कर गौरव को जनजोद गया, झंझोड़ झंझोड़ गया। यानी उसकी मम्मी की आवाज इतनी तेज थी, धार रही थी, धारणा मतलब तेज आवाज में बोलना, वो दीवार से टकरा कर गौरव को झंझोड़ दिया मतलब हिला दिया, इतनी तेज आवाज थी। दोनों भाई ही माँ के हुक्म का पालन, हुक्म का पालन, का हुक्म पालन, माने आज्ञा, हुक्म हुक्म का माने पालन आज्ञा, ऑर्डर करने यानी ओवर कर रहे थे। आगे बोलिए। नीच करने नीचे चल दिए। हाँ, नीचे चल दिए। अभी वह आखिरी आखिरी सिद्धि पर
ही था पर ही थे कि आ फा फा पापा उनका लगातार होतर हॉर्न। होते कर्कश शुर 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 सो सुनाई दिए। हाँ, कर्कश आवाज, कर्कश आवाज मैंने तेज आवाज। उफ क्या स्वर था जैसे मलयुद्ध की गोष्ण का घोषणा, घोषणा घोषणा अनाउंसमेंट। घोषणा का नाद, नाद नाद माने आवाज। नाद फुटे टिन के नगाड़े पर किया जय जा रहा हो मानो हो हाथी चिंडा चिल्लाहट, चिगड़ और सियार की पुकार का मिश्रित कल मिश्रित मिश्रित कल पल्लव माने मिक्स्ड, मिली जुली, कभी तेज आवाज होती हाथी की सिंघार की तरह से, कभी सियार की तरह से धीमी आवाज होती थी, तो ऐसी मिक्स्ड आवाज, कलर माने आवाज हो रही थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज कभी तेज कभी धीमी पड़ जाती थी। आगे बोलिए। इसी इसी जंग लगे लगे बूम से होजर गुजर रहे हो अंगली अंगली से कानों को कुजाते हुए गौरव बोला लगाता है मामा जी ने कार का हॉर्न ठीक रख लिया है। बार जाकर देखा कि मामा जी का आर का बोनेट कोले इस गुर निनाद से साद सा से बेखबर कार के इंजन को देख रहे थे बस कड़ी
पड़ोसियों की पालतू लोग पालतू लुसी मामा जी की और व्यामित्रित अच्छा अचन अचनबित अचंभित अचंभित दर दृष्टि 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 तो माने नजर से देख रही थी दो दो राह रेगी रेगिर मुंह कोले उसी और देख रहे थे और प्रेस वाला हरिया बिखरे कपड़े समेटता अच्छा समेट उसे मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाने माने धीरे धीरे बोलना, विस्पर नहीं बुदबुदा करना। रहे हैं अवश्य की हॉर्न की अवश्य ही हॉर्न की आवाज से मामा जी खाना संजू ने आवाज लगाए लगाई लगाए सुनता कि मामा जी गुड़ा और बोला ठीक हो गया उनके काले ग्रीस के दब्बों से सुसज्जित गोरे मुख पर सफलता की मस्जिद बेकार बेकार गए हाँ पुष्ट कंधे घमंड से और सिद्धे हो गए प्रसन्नता से आपकी सुडोल काटी और भी अधिक प्रचिक उन्हें नहीं दिख करना, दिख नहीं क्या रही थी वह मामा जी वह बंद क्या हॉर्न है कर संजू ने दिया। दमदार तारीफ की मामा जी का चेहरा
चेहरा और भी छिल उठा। हाँ अच्छा। देखो उसकी मदद ने उनका नाम लिया है ना, सूर्य। सूर्य। मामा जी के नाम सुरेश है। अच्छा सुरेश नहीं है, आगे पढ़ो। कुत्ता जिद होकर बोले, अभी अंदर से हॉर्न बजाकर फिर से सुनात। यही पे पढ़ लेना, क्योंकि मामा जी का नाम लिखा हुआ है। बाकी टाइम होगी हो गया, नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी अभी, ठीक ठीक है? है कल माँ। के लिए तैयारी अच्छी तरह कर लेना। जी माँ। बाय माँ।